मेरे प्यारे दोस्तों, अपने गैजेट, अपने कंप्यूटर को भूल जाओ। कैची, गोंद और कागज लेकर तैयार हो जाओ, क्योंकि कागज का करिश्मा शुरू हो रहा है। कागज के साथी, कागजी दोस्त। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारासिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। दोस्त कीड़े। एक बार कागज लोक में भरी गर्मी में अरस्तु और टुक टुक ने ये देखा कि इस बार पेड़ों से बड़ी जल्दी पत्तियां झड़ना शुरू हो गई हैं। टुक टुक, तुम्हें नहीं लगता कि हमारे पेड़ों में कुछ तो गड़बड़ है? क्या कहते हो? नहीं आरी, नहीं, हमारे पेड़ों में कोई गड़बड़ नहीं है। मैं समझ गया कि गड़बड़ कहाँ है। मालूम पड़ा कि ये कोई छोटा सा कीड़ा था। उसने अपने दोस्तों को बताया कि उसका वैसे तो पत्तियाँ खाने का कोई इरादा नहीं था, वो तो पूरा का पूरा पेड़ खाना चाहता था, पर वो ऐसा करना नहीं जानता था क्योंकि वो अभी छोटा था। एक बात कहनी है कीड़ा जी, पेड़ हमारा घर है और अच्छे घर के लोग दूसरों का घर नहीं खाते हैं। हाँ, और अच्छे लोग अपना घर भी नहीं खाते हैं, समझे? तुम नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े तो नहीं बनना चाहते हो ना? और तब नन्हा कीड़ा बहुत परेशान हुआ। उसके सभी साथी बड़े हो गए थे और छाल खाने वाले कीड़े बन गए थे और केवल पेड़ ही खाते थे। यदि पेड़ खाना मना है तो फिर उसे क्या खाना चाहिए? ये कुछ कागजी नहीं लग रहा है। सुनो मेरे दोस्त, तुम्हें क्यों छाल खाने वाला कीड़ा ही बनना है? तुम कुछ और भी तो बन सकते हो ना? कीड़े को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है, बस सोच समझकर काम करने की जरूरत है। अरस्तु और टुक टुक ने कीड़े को घोंघा बनने का प्लान बताया। कीड़े ने आह भरी, कीड़ा कुनमुनाया, पर नन्हा कीड़ा पीठ पर कोई बोझ नहीं ढोना चाहता था। अब दोनों दोस्त परेशान हो गए कि आखिर इसकी मदद कैसे करें। इसे और कौन सा सुझाव दें? अहा, क्यों ना ये मधुमक्खी बन जाए। मधुमक्खी बहुत ही उपयोगी है। क्यों? बहुत खूब आरी। नन्हे कीड़े, यदि तुम शहद खाओगे तो जल्द ही मधुमक्खी बन जाओगे। हाँ। नन्हे कीड़े ने जिंदगी में कभी भी शहद नहीं खाया था, इसीलिए उसने फौरन हाँ कर दी। क्यों टुक टुक, तुम्हें क्या लगता है, ये मधुमक्खी बनने के लिए तैयार है? अरे, इसका तो मुझे मालूम नहीं, पर मैं अब अपने आप को मधुमक्खी जैसा महसूस कर रहा हूँ। शहद। अच्छा, अब तुम्हें फूलों का पराग छिड़कना होगा। मेरे दोस्त, अब तुम चलो। अरे रे, ये तो मधुमक्खी भी नहीं बन सकता, अब क्या करें हम? मुझे लगता है अब हमें आराम करना चाहिए। लगता है मैंने सोच लिया, कीड़े बहुत उपयोगी होते हैं, वो जमीन को भुरभुरा बनाने में मदद करते हैं, ये काम इसके लिए ठीक रहेगा। तब अरस्तु और टुक टुक ने कीड़े को केंचुए बनने की तरकीब बताई, पर पता चला कि कीड़े को तो अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए नन्हा कीड़ा केंचुआ भी नहीं बनना चाहता था। मतलब ये है कि तुम केंचुआ भी नहीं बन सकते हो, क्योंकि तुम अंधेरे से डरते हो। अब क्या करें, यहाँ कागजी सोचने की जरूरत है। यहाँ नन्हे कीड़े ने यह बात मान ली कि वो अंधेरा बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, पर उसे रोशनी बहुत पसंद है, और यदि वो कुछ बनना चाहेगा तो सितारा बनना चाहेगा। जरूर, तुम एक सितारा ही बनोगे, तुम्हें केवल रोशनी की जरूरत है। कौन सी रोशनी आरी? हम इसके लिए लालटेन बनाएंगे। कागजी दोस्त। नन्हे कीड़े के लिए लालटेन। रंगीन कागज को लंबाई में बीच से मोड़ो। अब मुड़ी जगह पर थोड़ी दूर से कागज की पट्टी जैसा काटो। कागज को खोलो और ट्यूब का आकार दो। कागज के पतले किनारों को गोंद से चिपका दो। अब इस लालटेन को पकड़ने का हैंडल भी कागज से काटकर उससे चिपका दो। लो, बन गया लालटेन। अरे, इसकी जिंदगी में और अधिक रोशनी भर गई। बिल्कुल सही टुक टुक,
इसे अपनी जगह मिल गई। अब ये अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताएगा। बारहसिंगा रस्तू और कठफोड़वा टुकटुक को कीड़ा यानी जुगनू की मदद कर बड़ी खुशी हुई। वो सचमुच में सितारा बन गया। कुछ सितारे केवल अपने लिए ही चमकते हैं, पर कुछ दूसरों को अपना रास्ता ढूंढने में मदद करने के लिए चमकते हैं, उनको जो उसकी तलाश कर रहे हैं। रानी के लिए फूलों का तोहफा। बसंत के एक नरम दिन हमारे दोस्तों को डाक से कागजी खत आया। खत मोम की मुहर से बंद किया गया था और उससे शहद की बहुत बढ़िया खुशबू आ रही थी। ये देखो टुक टुक, हमें खत आया है। क्या खुशबू आ रही है इससे? शहद की खुशबू? अरे लगता है मैं जानता हूँ किसने भेजा है, फूल रानी ने। कहना जरूरी है कि फूल रानी सिर्फ रानी मधुमक्खी ही नहीं, ये अरस्तु और टुक टुक की पुरानी सहेली भी थी। फूल रानी लिखती है कि जल्द ही वो कागजी देश की यात्रा पर जा रही है और वो जरूर हमसे मिलने आएगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हुर्रे आरी, क्या कागजी है। चलो रानी का स्वागत बड़े फाट से करते हैं। चलो रानी के लिए उसके पसंद के फूल लगाएंगे। दोनों दोस्त दोपहर तक मेहनत करते रहे। उन्होंने गड्ढे खोदे और कागजी पिटूनिया के बीज बोए। हाँ वो थक जरूर गए, लेकिन वो रानी मधुमक्खी को खुश करना चाहते थे जो उनको बहुत पसंद करती थी, दोस्तों को और पिटूनिया को भी। बड़ा कागजी काम किया है हमने टुक टुक। इंतजार करना है अब हमारे बाग में कागजी पिटूनिया के खिलने का। फिर हमारे दोस्त थके हुए लेकिन खुश होकर थोड़ा आराम करने और कागजी चाय पीने घर चले गए। हमारे दोस्त बैठ ही रहे थे तब काले भुखड़ प्यासे कौओं का झुंड उनके बाग में पहुंचा। कौओं ने फूलों के बीच चुगना शुरू किया। अरे ने ने ने, ये बिल्कुल कागजी नहीं, हट जाओ, हट जाओ यहाँ से। आदरणीय कौओं, आप कृपया करके हमारे बाग से चले जाइए, ये प्रार्थना है। हमारे दोस्तों की बातों पर थोड़ा सा भी ध्यान दिए बिना कौवे बीच चुगते रहे। लगता है कि ये कौवे बाहर के थे और कागजी भाषा जानते नहीं थे। टुक टुक देखो, लगता है कि सब पक्षी भुखड़ बिल्लों से डरते हैं। क्या हम ऐसे बिल्ले की मदद लें, क्या कहते हो? अरे ये कागजी नहीं है, मैं खुद इस बिल्ले से डरता हूँ, चाहे वो चित्र में ही क्यों ना हो। चित्र से भी डरते हो तुम, ये तो अच्छा ख्याल है, बिल्कुल कागजी ख्याल है टुक टुक। दोस्तों ने कागज लिया और उस पर बड़े लाल बिल्ले का चित्र बनाया। बिल्ले को देख कर कौवे पेड़ों पर उड़ गए। टुक टुक अपना काम हो गया, अब हमारे पिटूनिया को किसी भी चीज से कोई डर नहीं, किसी भी चीज से। और हमारे दोनों दोस्त थके हुए पर खुशी से थोड़ा आराम करने और कागजी चाय पीने घर चले गए। अरे नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है, अरे देखो क्या हो रहा है। लगता है कौओं को हमारी योजना का पता चल गया। उनके समझ में आ गया कि हमारा बिल्ला नकली है, क्योंकि असली बिल्ला घूमता फिरता है पर चित्र का बिल्ला घूमता फिरता नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे आरी? हमें कागजी सोचना चाहिए। टुक टुक, मैंने सोच लिया, हमारा बिल्ला हिलेगा घूमेगा, बहुत आसान है, जैसे एक कागज। अरे नहीं नहीं, दो कागज। कागजी दोस्त, कॉपी की मदद से कार्टून कैसे बनाए। कॉपी लेकर उसके पन्ने पर पंजा ऊपर उठाए हुए बिल्ले का चित्र बनाए। दूसरे पन्ने पर भी उसी बिल्ले का चित्र बनाए पर दूसरा पंजा उठाए हुए। अब दूसरा ऊपर वाले पन्ने की नली बनाए। अगर पेंसिल से ऊपर नीचे तेजी से हिलाए तो ऐसे लगेगा जैसे बिल्ला अपने पैरों पर चल रहा है। लो कार्टून तैयार है। हमारे
हमारे दोस्तों ने बिल्ले का चित्र बनाया जो जिंदा बिल्ले जैसा चलता है। भुक्कड़ कौवे तुरंत पेड़ पर उड़ गए और पिटूनिया खिल गए, जो रानी मधुमक्खी फूल रानी सुंगना बहुत पसंद करती थी। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत कागजी खत्म हुई। नरशक्ति हवा के लिए खिलौना। एक बार गर्मी की गर्म सुबह में दोस्तों ने ताजा कागजी चाय पीने का निर्णय लिया। अरे, अखबार में क्या लिखा है? मौसम के बारे में क्या लिखते हैं? मौसम के बारे में क्या लिखते हैं? लिखा है कि सामान्य रहेगा, पर बादल भी आ सकते हैं और उम्मीद की जाती है कि जुइड वेस्ट के आने की संभावना है। हम जुइड वेस्ट की प्रतीक्षा करते हैं। हमें एक कप और चाय की जरूरत होगी। धन्यवाद टुक टुक। किस बात के लिए आ रही? बस यू ही टुक टुक। मैं पूछता हूँ कि मेरी चाय कहाँ गई? तुम्हें पता है यारी, पिछले 3 सेकंड से मैं यही सवाल अपने आप से पूछ रहा हूँ। उसे मानो हवा उड़ा कर ले गई हो। अरस्तु और टुक टुक को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। 2 कप कागजी बढ़िया चाय उनकी आंखों के सामने से गायब हो गई। और चाय की केतली भी गायब हो गई। ओहो, कौन 2 कप चाय और चाय की केतली ले गया? टुक टुक, मुझे याद दिलाओ मैं क्या पढ़ रहा था नरशक्ति हवा के बारे में। कि उसकी प्रतीक्षा है। नरशक्ति हवा। हाँ, ये था स्वीट वेस्ट। वो भला था पर चंचल और थोड़ा सा हवाई था। हाँ, वास्तव में ये हवा ही थी, सबसे सही हवा जो ले हुई स्वीट वेस्ट को। माफ कीजिए, पर आप मेरी प्यारी कुर्सी को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और तब स्वीट वेस्ट ने कुर्सी को शांति से रख दिया, पर चाय की केतली ले ली। लगता है स्वीट वेस्ट हर परिस्थिति में यदि लेना हो तो अवश्य कुछ न कुछ ले जाता है। माफ कीजिएगा, पर बिना मेज के हम कहीं भी चाय नहीं पी सकते। लगता है स्वीट वेस्ट गुस्सा हो गया और उसने कप वापस कर दिए जो वो पहले लेकर गया था। वो उदास हो गया और गहरी सांस लेने लगा। अरे, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ कागजी सोच की जरूरत है। अभी तक तो नहीं। तुम बिल्कुल सही हो टुक टुक। अच्छा हुआ कि ये तुम्हारे सिर में आ गया, यानी कि दिमाग में। अरस्तु और टुक टुक समझ गए कि उनके मेहमान स्वीट वेस्ट को क्या चाहिए। स्वीट वेस्ट को इससे पहले कभी भी ऐसा उपहार नहीं मिला था, क्योंकि स्वीट वेस्ट बहुत छोटा था और सभी युवा हवाओं को खिलौने की जरूरत होती है। देखो टुक टुक, अब तुम्हें समझ में आ गया कि हमारे युवा मेहमान को चाय के कप की क्यों जरूरत थी। सभी हवाओं को कुछ न कुछ घुमाना पसंद होता है। कागजी दोस्त। एक कागज के चौकोर पन्ने को कोनों में मोड़ो, मोड़ने की लाइन पर कागज को काटो। जब वो कट जाए उसके बाद चारों कोनों को एक एक करके मोड़ो। जब ये पूरी तरह से मुड़ जाए फिर उसके केंद्र में लंबी पतली डंडी से कील से जोड़ दो। लीजिए, आपकी फिरनी तैयार है। देखा कितना आसान है। नरशक्ति हवा ने अरस्तु और टुक टुक को इतने अच्छे उपहार के लिए धन्यवाद दिया। कागजी उपहार। हाँ, सचमुच में बड़ा अच्छा है ये कागजी उपहार। अरे, मैं तुमसे सहमत हूँ। अच्छा हुआ कि ऐसे बदलते मौसम में नरशक्ति हवा ने हमारे घर में झांका। बिल्कुल सही मेरे दोस्त। और अच्छा है कि हमें पता चला कि हमारे मेहमान को कैसे व्यस्त रखना है। क्या लिखते हैं? मौसम ऐसे ही तेज हवा वाला होगा। सामान्य मौसम होगा मेरे दोस्त। अब सामान्य हवा रहेगी और बदलाव वाली हवा नहीं होने से हमारे कप गायब नहीं होंगे।
तो ये कहानी ऐसे कागजी खत्म हुई और नैशत्य हवा के नए मित्र बन गए और मित्रों को नैशत्य हवा का झोंका मिला और कुछ भी उनकी मित्रता में बाधा नहीं डाल सकता था, चाहे कितनी भी तेज हवा क्यों ना चले। सर्वश्रेष्ठ आविष्कार। मित्रों ने एक बार टीवी देखने का फैसला किया क्योंकि वहां अच्छे कागजी आविष्कारों में से विजेता की घोषणा की जानी थी और ये बताना जरूरी है कि अरस्तु और टुकटुक ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया था और बेसब्री से परिणाम की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे थे। अरे देखो कैसा कागजी समुद्र है। लगता है कि मुझे समुद्री बीमारी की शुरुआत हो रही है। नहीं टुकटुक, ये समुद्र नहीं है, ये हमारा टीवी संकेतों को पकड़ना नहीं चाहता। पकड़ना? पर क्या उसके पास मछली पकड़ने का कांटा है? नहीं टुकटुक, संकेत पकड़ा जाता है एंटीना के माध्यम से। संकेत अच्छी तरह से पकड़ सके इसके लिए इसे ऊपर उठाना चाहिए और तब हम अपने पसंद का शो देख सकेंगे और जान सकेंगे कि कागज के क्षेत्र में कौन सबसे प्रतिभाशाली आविष्कारक है। और अब अरस्तु सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया ताकि उस पर एंटीना लगा सके। टुकटुक, बताओ कैसे काम कर रहा है? नहीं आ रही, यहाँ अभी तक समुद्र है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, और अब? नहीं। अच्छा, और अब? नहीं। और अब? नहीं। हुर्रे, आओ काम करने लगा। आरी जल्दी नीचे उतरो, अभी शो शुरू होने वाला है। अरे ओह ओह अरे अरे मैं गिर रहा हूँ। आरी, तुम्हारे साथ सब ठीक तो है? आरी, पेड़ की ऊंचाई पर उड़कर टुक टुक ने देखा कि अरस्तु की हालत ठीक नहीं थी। आरी, तुम्हें क्या हुआ? आरी, मुझे डर लग रहा है। किससे? कहाँ है वो राक्षस? मैं उसे दिखाऊंगा कि मेरे दोस्त को डराने का क्या परिणाम होता है। नहीं टुक टुक, मुझे ऊंचाई से डर लग रहा है। ये पता चला कि अरस्तु काम में इतना मग्न हो गया था कि ऊंचाई के अपने डर के बारे में भूल गया था और उसे इस बारे में तब याद आया जब वो पेड़ की पूरी ऊंचाई तक पहुंच गया। तुम कैसे ऊंचाई से डर सकते हो? ना उसके कोई दांत है, ना नाखून है। अरे नीचे उतरो मेरे दोस्त, नीचे उतरो तुम। मैं ये नहीं कर सकता, मुझे यहाँ छोड़ दो और अकेले उड़ जाओ। कागज के कट फोड़वे अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ते। तुम बिल्कुल ठीक हो आरी, कुछ न कुछ सोचो, तुम्हें कोई न कोई रास्ता जरूर मिलेगा अगर अच्छा सोचोगे। लेकिन आरी इतना डर गया था कि वो कुछ कागजी सोच नहीं सकता था, इसीलिए टुक टुक को खुद सोचना पड़ा। पर जब कोई ज्यादा ही तेजी से सोचता है तो अवश्य कुछ न कुछ बहुत कागजी नहीं होता। क्या तुम पक्षी की तरह नहीं उड़ सकते? ठीक है, क्योंकि मैं कागज का बारह सिंगा हूँ, पक्षी नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उड़ नहीं सकता। ओह, लगता है मैंने सोच लिया है। टुक टुक, मेरे उपकरणों के डिब्बे को यहाँ ले आओ, हम बनाएंगे कागज का पैराशूट, जल्दी लाओ। कागजी दोस्त, कागज के बारह सिंघा के लिए पैराशूट कैसे बना सकते हैं? कागज के एक चौकोर पन्ने को लो, उसमें छेद करो इस तरह से और उसमें रस्सी डाल दो। बहुत अच्छा, कोनों को केंद्र की ओर मोड़ो इस तरह। बहुत अच्छा, देखो अब पैराशूट तैयार है। पैराशूट? हुर्रे, ये तो तुमने बहुत कागजी सोचा। हुर्रे, बचा लिया। तुम हमेशा की तरह ऊंचाइयों पर हो आरी। दोनों दोस्त टेलीविजन के सामने बैठ गए और निवेदक ने प्रतियोगिता जीतने वालों के नाम बताए। सर्वश्रेष्ठ आविष्कारक बने अरस्तु और टुक टुक। दोनों दोस्तों को बहुत खुशी हुई और उन्होंने तय किया कि अगली बार प्रतियोगिता में अपना पैराशूट भेजेंगे और हो सकता है कि फिर से जीत जाएं, पर ये होगी बिल्कुल दूसरी कहानी।
तब तक इंतजार करिए। एक बार जब अरस्तु और टुकटुक ने अपने कागजी कैलेंडर में देखा तब पता चला कि वसंत आ गया है। देखो आरी, वसंत। अरे हाँ हाँ वसंत, क्योंकि वसंत में ही पहले कागजी फूल खिलते हैं। दूर कागजी देश के पक्षी घर वापस आते हैं। हाँ आरी, वसंत साल का सबसे कागजी समय है। और टुकटुक, वसंत में पक्षियों के बच्चे पैदा होते हैं। इसका मतलब जल्दी मैना के बच्चे हम देखेंगे। हाँ बेशक टुकटुक, क्योंकि नीला है पक्षी, हमें अवश्य उसके नन्हे बच्चों को जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी चाहिए। अरस्तु और टुकटुक बहुत ही भले थे और कभी भी उपहार के बिना अतिथि बनकर नहीं जाते थे। तुम क्या सोचते हो आरी, नीलकंठ नीला के बच्चे पैदा हो गए? मैं नहीं जानता, हो सकता है कि पैदा हो गए हो या शायद अभी नहीं। ये अच्छा नहीं आरी, ऐसी चीजों के बारे में सही पता होना चाहिए। मैं तुमसे बिल्कुल सहमत हूँ टुक टुक, ये जरूरी है क्योंकि जन्मदिन पर सही समय पर पहुँचना चाहिए। मैं मैना के यहाँ उड़कर जाता हूँ और खुद देखता हूँ। हाँ कागजी सोच। तो इस प्रकार से टुक टुक नीलकंठ नीला के यहाँ उड़कर चला गया और अरस्तु उसकी वापसी की राह देखता है। काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा लेकिन अब अंत में टुक टुक वापस आ गया। वापसी पर स्वागत है टुक टुक, मैना का क्या हाल है, क्या उसके बच्चे हो गए? नमस्ते आरी, नीलकंठ नीला अपने अंडों को से रही है और प्रतीक्षा कर रही है कि कब उनमें से बच्चे निकलेंगे, पर बच्चे अभी नहीं निकले हैं। तो तुम ये कहना चाहते हो कि वो तब नहीं थे जब तुम मैना के यहाँ थे, पर उसके बाद से बहुत सारा समय बीत चुका है। तुम क्या सोचते हो टुक टुक, अब तक बच्चे निकल आए होंगे? मैं सोचता हूँ हो सकते हैं, मैं पता करता हूँ। और टुक टुक फिर से मैना के यहाँ उड़कर जाता है। नन्हे पक्षी अभी पैदा नहीं हुए हैं। और अभी मैं अभी पता करके आता हूँ। और टुक टुक फिर से उड़ जाता है मैना के यहाँ। अरे बच्चे अभी पैदा नहीं हुए, मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ और फिर से नीलकंठ नीला के यहाँ उड़कर जाता हूँ। बाद में फिर से तुम्हारे पास उड़कर आऊंगा और बाद में फिर से मैना के पास, बाद में तुम्हारे पास, और ऐसे ही उड़ता रहूंगा जब तक मेरे कागजी पंख टूट नहीं जाते हैं। तुम अपने पंखों का ध्यान रखो टुक टुक, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरी मदद कैसे करोगे? अरे क्या कागज के बारह सिंघा उड़ना जानते हैं? कागज के बारह सिंघा उड़ तो नहीं सकते, पर वो कागजी सोच सकते हैं। हाँ तो फिर क्या सोचा है कागजी बारह सिंघा ने? कुछ तो कागजी सोचा है बारह सिंघा ने, सचमुच का कागजी टेलीफोन। कागजी दोस्त, दो कागज के गिलास ले लें और उनके तलों को धागे से जोड़ें। अब गिलासों को एक दूसरे से इतना दूर करें कि धागे में खिंचाव आ जाए। अब अगर एक गिलास में बोलो तो खींची हुई धागे में से आवाज दूसरे गिलास में पहुंच जाएगी, जैसे असली टेलीफोन में होता है। अरे क्या बात है, कागजी फोन बन गया। और जैसे ही मैना के बच्चे अंडों से निकल आते हैं, टुक टुक तुरंत ही इस बारे में टेलीफोन पर अरस्तु को बता देता है। दोस्तों ने फौरन ही बच्चों को जन्मदिन की बधाई दी और उन्हें उपहार दिए। मैना बहुत खुश हुई। तो दोस्तों ऐसे खत्म हुई ये कहानी। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। मेरे प्यारे
प्यारे दोस्तों, अपने गैजेट, अपने कंप्यूटर को भूल जाओ। कैची, गोंद और कागज लेकर तैयार हो जाओ, क्योंकि कागज का करिश्मा शुरू हो रहा है। कागज के साथी, कागजी दोस्त। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारासिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। फिर से छुट्टी। सुबह सुबह हमारे दोस्तों को कागज के अपने नरम बिस्तरों में लेटे रहना पसंद था। अभी सूरज भी पूरा नहीं निकला था, पर इस दिन टुक टुक जल्दी उठ गया। हुर्रे, आज शुक्रवार है। टुक टुक ने ऐसा शोर मचाया कि अरस्तु को लगा मानो घर में आग लग गई हो। वो फौरन भागा। क्या जल रहा है, क्या जल रहा है? अरे कुछ जल नहीं रहा, आज शुक्रवार है, मेरा जन्मदिन। अरे हाँ प्यारे टुक टुक, मैं तो भूल ही गया था कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। जन्मदिन की तुमको बहुत बहुत बधाई। तुम्हारे लिए उपहार, डिंग डॉन्ग। क्या डिंग डॉन्ग? ले लो तुम्हारा उपहार, डिंग डॉन्ग। अरे वाह, मेरा प्यारा कागज का केक। अरे ये कौन है? ये भी उपहार है? ये था मुर्गा एडवर्ड। अपने पूरे जीवन में वो सुबह बांग देता रहा और उसकी बांग से हर नए दिन की शुरुआत होती थी। पर एक बार उसकी जैविक घड़ी खराब हो गई। मेरे दोस्त, ये बताओ कि जैविक घड़ी खराब होने का क्या मतलब होता है? कुछ समझ में नहीं आया। रात ही रात और दिन कहाँ है? मेरा जन्मदिन, उसे वापस लाओ। गुरुवार, शुक्रवार, हुर्रे, हुर्रे, कहाँ चल रहा है? क्या चल रहा है? अरे आरी, मुर्गे ने बांग देना बंद कर दिया और समय रुक गया। आज फिर से शुक्रवार है और मेरा फिर से जन्मदिन आ गया, हुर्रे। पर ऐसा नहीं हो सकता टुक टुक। डिंगांग। विश्वास करना बहुत कठिन था, पर समय कागज की दुनिया में सचमुच रुक गया था। चलो फिर कुछ मजेदार हो जाए। मंगलवार, शुक्रवार, मंगलवार, शुक्रवार, मंगलवार, शुक्रवार, मंगलवार। आ गया पांचवां शुक्रवार लगातार। जन्मदिन का केक पहले की तरह अपनी जगह पर था, बस केवल दोस्तों की खुशियां थोड़ी कम हो गई थी। वो बोर हो गए थे। टुक टुक, मैं अब और इस केक को नहीं देख सकता, मैं बोर हो गया हूँ। मैं भी बोर हो गया हूँ आरी। एक काम करते हैं, मुर्गे को कहते हैं बांग दे और दिन बदल जाएगा। इससे कोई फायदा नहीं होगा मेरे दोस्त, इसकी जैविक घड़ी खराब हो गई है और अब नई सुबह इसके बांग देने से नहीं होगी। ये हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। तो अब क्या करें आरी? मिल गया आइडिया। हमें ऐसी नई घड़ी की जरूरत है जो कभी खराब ही ना हो। हमें सौर घड़ी की जरूरत है, समझ गए टुक टुक? कागजी दोस्त। एक कागज की प्लेट लो और उसके बीच में छोटा सा छेद करो। इस छेद में मिल्क शेक पीने की स्ट्रॉ लगा दो। अब प्लेट पर 1 से 12 तक अंक लिखो। ठीक दोपहर को इस घड़ी को सूरज की रोशनी में ऐसे रखो ताकि स्ट्रॉ की परछाई सीधे अंक 12 पर पड़े। अब जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ेगा, परछाई भी बदलती जाएगी। अब सूरज की गति के साथ स्ट्रॉ की परछाई वो समय दिखाएगी जो सचमुच की घड़ी बताती है। तो बन गई ना हमारी सौर्य घड़ी, है ना मजेदार? क्या फिर से जन्मदिन? अरे नहीं नहीं आरी, बहुत कागजी है। आज मेरा जन्मदिन नहीं है मेरे दोस्त। डिंग डॉन्ग। तो फिर चलो हम जश्न मनाते हैं। जन्मदिन नहीं,
उसका जश्न बहुत कागजी हो गया। आरी, टुक टुक और मुर्गा एडवर्ड ने खूब मजे किए। और क्या, आगे और ढेर सारे त्योहार पूरे साल मनाने को बाकी थे, एकदम अलग और बिल्कुल नए। तो ऐसे कागज लोग की ये कहानी खत्म हुई। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने गैजेट, अपने कंप्यूटर को भूल जाओ, कैची, गोंद और कागज लेकर तैयार हो जाओ, क्योंकि कागज का करिश्मा शुरू हो रहा है। कागज के साथ ही कागजी दोस्त। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारासिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। कप्तान टुक टुक के कारनामे। एक बार दोस्तों ने कागजी झील में नाव से सैर करने की सोची। टुक टुक ने अपनी प्यारी रोचक समुद्री कथाएं नाम की किताब अपने साथ ली। समुद्र में भयानक तूफान था, लेकिन कप्तान ड्यूक डेक पर सख्त खड़ा था, वो क्षितिज की ओर देख रहा था और तेज हवा उसके नमकीन हुए बालों को लहरा रही थी। पता है आरी, मैं कप्तान ड्यूक की तरह ही बनना चाहता था। वो ऐसा है, वो वैसा है, सुपर कागजी है। और मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए, तो कप्तान टुक टुक घर की ओर चले। अरस्तु ने नाव किनारे की ओर लेना शुरू किया, लेकिन उसी समय दोस्तों ने जोरदार झटका महसूस किया। अरे, अरे जरा सावधानी से आरी। लेकिन ये मैंने नहीं किया। आरी ने नाव को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की, पर जैसे नाव उसका कहना ही नहीं मान रही थी। अरे बाप रे, इन हजार कागज, ये तो तूफान है आरी, बहुत बड़ा तूफान। कैसा तूफान टुक टुक, हम दोनों तो झील में है। कौन सी झील आरी, ये वही सचमुच का तूफान है। तो सुनो, अज्ञात शक्ति ने जहाज को ऊपर उठाया और लकड़ी की हल्की फल्ली की तरह घुमा दिया। दोनों दोस्त डर गए कि कहीं नाव न उलट जाए, पर कागजी झील अचानक फिर शांत हो गई। ओह, लगता है सब ठीक हो गया। नाव किनारे की ओर ले लेता हूँ, कहीं फिर से तूफान शुरू ना हो जाए। फिर से नाव हिचकोले खाने लगी। झील में फिर तूफान आ गया। चुप चुप किताब पढ़ते रहो, जब तुम पढ़ते हो तूफान शांत हो जाता है। देखो शांत हो रहा है। तूफान थम गया, नाविकों को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हुआ। चुप चुप तुम और आगे पढ़ते जाओ, मालूम नहीं कैसे पर ये काम कर रहा है, सचमुच कागजी काम कर रहा है ये। पर इसी समय काली भयानक गहरी लहरों के बीच से बड़े दांतों वाला डरावना मुंह दिखाई दिया। पानी से एक समुद्री राक्षस का एक बड़ा सा सिर दिखाई दिया। नमस्ते, आज मौसम बड़ा कागजी है ना? पर समुद्री राक्षस की मौसम में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो तो कहानी आखिर तक सुनना चाहता था। हेलो राक्षस जी, लीजिए हम अपनी किताब आपके पास छोड़ देते हैं और आप इसे खुद पढ़ लीजिएगा। पर पता चला कि ये राक्षस बिल्कुल अनपढ़ था, ये पढ़ नहीं सकता था। आरी, मैं उसे अकेले लड़ने की चुनौती देता हूँ, बिल्कुल कप्तान ड्यूक की तरह, और तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करना। टुक टुक ने बहादुरी दिखाने की ठान ली, पर अरस्तु उसकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता था, वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। टुक टुक रुको, लगता है मैंने तरकीब ढूंढ ली, हम चित्रों वाली किताब बनाएंगे और तब राक्षस को पता चल जाएगा कि कहानी कैसे खत्म हुई। पर आरी, इसका मतलब ये हुआ कि मैं हीरो नहीं बन पाऊंगा। टुक टुक, हीरो वो नहीं जो दुश्मन को जीतता है, बल्कि हीरो वो होता है जो दोस्त को पाता है। राक्षस के लिए किताब कागजी दोस्त। हाथ में कागज का एक पन्ना ले लो और किनारों से उसकी तह बनाते जाओ।
थोड़ा सा काटो और वाह देखो आपकी कागज से बनी किताब तैयार है। अब इसमें केवल हर पन्ने पर चित्र बनाना ही बाकी है। टुक टुक ने किताब में चित्र बनाना शुरू कर इस किताब में बहादुर कप्तान की सारी कहानियां समा गईं। लो हो गया, अब इसे मैं किताब दे देता हूँ। लो पकड़ो, इसमें सारी कहानियां हैं। अब ये इतना भयानक नहीं लग रहा, अब ये खुश हो गया। पर मुझे अब भयानक भूख लग रही है टुक टुक। और दोनों दोस्त घर की ओर चल पड़े। सब कारनामों के बाद दोनों दोस्तों को कुछ तो मिलना ही चाहिए था। घर की छत के नीचे एक दिन भोर कागजी सुबह उसी समय जब खास तौर पर अरस्तु मीठी नींद सो रहा होता है उसने अच्छा सा सपना देखा। पर अरस्तु का सुंदर सपना उस रोचक मोड़ पर टूट जाता है एक भयानक कागज को चिड़चिड़ाने वाली आवाज से। लगता है किसी से सलाह लेनी होगी तो टुक टुक से लेते हैं। अरस्तु सोचता है और टुक टुक को जगाने जाता है। टुक टुक उठो, वहां तो कागज को चिड़चिड़ाने वाली आवाज। अरे हमें पता करना होगा कि कौन ये कर रहा है और क्यों ऐसा कर रहा है। और दोनों दोस्त खोजने चल दिए। तुम क्या सोचते हो आरी, वो बड़ा होगा? हाँ हो सकता है। और दांतों वाला? लगता तो यही है। ऐसे नुकीले नाखूनों वाला? ये बात तो पक्की है, हम पहुंच गए हैं। मित्रों ने बड़ी सावधानी से झाड़ियों को हटाया और देखा कि छोटा सा बिना तेज दांतों वाला और सबसे मुख्य बिना नाखूनों वाला ये एक घोंघा है। बिना कवच वाले आदरणीय घोंघा जी, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, पर ये हमारा बागीचा है। उत्तर देने की जगह बिन बुलाए मेहमान ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मेहमान बहुत दुखी हो गया क्योंकि उसे बिना कवच का घोंघा कहा गया, पर सही में वो घोंघा था। वो अचानक से अपने कवच से बाहर निकला था। जब उसने अपने कवच में वापस आने की कोशिश की तो पता चला कि वो अपना कवची रूप घर खो चुका है और अब ऐसे रूप में वो अपने मित्रों के सामने नहीं जा सकता है। उसका दुख कम कर सकती थी तो कागज की गोभी की पत्तियाँ। अरे यहाँ कमी है पत्तियों के पूरे गांठ की। मेरे मित्र, मुझे लगता है कि हमें कुछ और कागजी सोचना होगा। यहाँ किस बात पर चर्चा करनी आ रही? हमें उसे उन्हें उन सबको रोकना होगा। और दोस्तों ने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया कि कैसे वो अपनी फसल को बचा सकें और कमजोर घोंघे को दुख न पहुँचाए, और योजना तैयार हो गयी। कागजी प्लान बन गया। लो, हमारा काम हो गया और घोंघा भी संतुष्ट और गोभी भी सुरक्षित। एक बात मेरी मान लो टुक टुक, ये दुनिया का सबसे तेज घोंघा है। मित्रों की योजना कारगर नहीं रही, कागजी सोचने का समय आ गया था। हालांकि इस बार अरस्तु के दिमाग में कोई ढंग के कागजी विचार नहीं आए। गाजर तक पहुंच गया। 3000 कागज। मैं अपने घर में हूँ या किसी और के, कुछ समझ में नहीं आता। क्या कहा तुमने टुक टुक? तुम अपने खुद के ही घर में हो। मुझे मालूम है कि हमें क्या करना है। जब हमारे मित्र तैयार थे उस समय घोंघे ने गोभी और गाजर खाई और कागज के सलाद की पत्ती खाना शुरू ही की थी। आदरणीय घोंघा जी, हमारे पास आपके लिए उपहार है, ये लीजिए, उम्मीद है आपको पसंद आएगा।
टुकटुक और आरी ने अपना शैल कवच खोने वाले घोंघे के लिए खुद घर बनाया। कागजी दोस्त, कागज पर रेखा चित्र बनाओ और अतिरिक्त कागज को काट दो। अब चित्र में खिड़की और दरवाजा पेंसिल से बनाओ। जहाँ लकीर है वहाँ कागज को मोड़ो और गोंद से चिपका दो। आपका घोंघे के लिए घर तैयार है। टुकटुक और आरी अपने पसंद के कागज के काम में जुट गए। इतने समय में उन्होंने बहुत कुछ बना लिया था। तो इस प्रकार से इस कागज की चिड़चिड़ाने वाली कहानी का अंत सुखद रहा। ऊंचाई पर एक बार टुकटुक और अरस्तु ने कागज में लोटो खेलने का फैसला किया। देखो तो टुकटुक, मैना ने पार्क शब्द बनाया है। इसका मतलब मैं फिर से जीत गया। कैसे फिर से? नहीं नहीं आरी, इसे नहीं गिना जाएगा। ऐसा शब्द है ही नहीं। हाँ तुम गलत हो टुकटुक। पार्क एक ऐसी जगह है जहाँ पेड़ जहाँ चाहे वही नहीं उगते, बल्कि एक योजना से उन्हें उगाया जाता है। कैसी योजना? पेड़ों के साथ? नहीं नहीं टुकटुक, पेड़ों के साथ नहीं, बल्कि जैसे कि हमारे साथ। क्योंकि पेड़ एक गोल, चौकोर या दिल के आकार में भी विकसित किए जा सकते हैं, और ये बहुत ही कागजी है। दिल के आकार में? दिल के आकार में ये तो कागजी है। ये बताना होगा कि कुछ दूर पर एक बड़ा कागजी मैदान था। वहीं मित्रों ने अपने पार्क को बनाने का निर्णय लिया। टुकटुक, हमारे पास एक अद्भुत पार्क बन रहा है और वो एक दिल के आकार की तरह दिखेगा। टुकटुक ने चारों ओर देखा पर कोई दिल नहीं दिखाई दिया उसे। अजीब बात है आरी, पर रूप में ये एक पेड़ जैसा दिखता है। सही कहा जाए तो कई पेड़ों जैसा। हाँ मेरे मित्र, पार्क एक दिल जैसा दिखेगा यदि तुम उसे ऊंचाई से देखोगे तो। समझे? अच्छा तो ये बात है, मैंने फौरन इस बारे में क्यों नहीं सोचा। और दोस्तों ने पेड़ पौधे लगाना जारी रखा क्योंकि वे जितनी जल्दी हो सके ये देखना चाहते थे। लो सब हो गया टुक-टुक, पार्क तैयार है। हुर्रे, अभी हम देखेंगे ऊपर से ये पार्क कैसा दिखता है। पर वहीं अचानक कठफोड़वे के समझ में आया कि आरी पार्क को बहुत ऊंचे आकाश से नहीं देख सकता क्योंकि वो पक्षी नहीं है और वो बिल्कुल उड़ना नहीं जानता। आरी, तुम पक्का उड़ना नहीं जानते हो? नहीं, मैंने तो कभी कोशिश भी नहीं की है। तो चलो कोशिश करें, ये बहुत आसान है आरी। और टुकटुक ने अरस्तु को उड़ना सिखाने का काम शुरू कर दिया। पंखों को ऐसे करो। हाँ बहुत अच्छा, हिलाने की जरूरत है। टुकटुक, पर मुझे तो कोई पंख नहीं है। हाँ तो जो भी तुम्हारे पास है उसको पंखों की तरह हिलाओ। अरस्तु कूदा और उसने अपने हाथों और पैरों को हिलाया। टुकटुक, ये कितना अजीब है, मैं उड़ रहा हूँ। अच्छा है कागज का बारह सिंगा होना और उड़ना। तो अब प्लान बी पर आते हैं। और दोनों मित्र प्लान बी पर आ गए। आरी, ये भाप है जो तुम्हें भाप लेने में मदद करेगा। अरे रे रे, अरे टुकटुक, ये तो बहुत गर्म है। आरी, अब तुम तैयार हो? चलो हम फिर से कोशिश करते हैं। नहीं टुकटुक नहीं, चलो एक काम करते हैं, किसी दूसरे प्लान पर आ जाते हैं। ठीक है, जैसा तुम कहो आरी। चलो फिर प्लान सी पर काम करते हैं। पर जल्दी पता चला कि प्लान सी और दूसरे प्लान्स भी कोई काम के नहीं हैं। आरी, मुझे लगता है हमें नए प्लान की जरूरत है। है बेशक, हमें जरूरत है सिर्फ एक प्लान की नहीं, हमें प्लेन यानी हवाई जहाज की जरूरत है। उर्रे, हवाई जहाज! वाह क्या कागजी है, कागजी दोस्त। एक कागज के पन्ने को लेकर आधे में मोड़े और कोनों को केंद्र की ओर मोड़े। अब ऊपरी भाग को रखकर और कोनों में फिर से मोड़े। कागज को आधे में मोड़े और पंख के समान मोड़े। आपका हवाई जहाज तैयार है। अच्छा कागजी है, अब हम ऊंचे आकाश से अपने पार्क को देख सकेंगे।
हाँ, सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी देख सकूंगा टुक टुक। अरे वाह, हवाई जहाज, मजा आ गया। बारा सिंघा अरस्तु और कठफोड़वा टुक टुक ने उड़ने का आनंद लिया। तो इस प्रकार से ये कहानी भी बहुत ही कागजी समाप्त हो गई। ये पता चला कि उड़ तो कोई भी सकता है जिनके पास कल्पना हो, और इसके लिए पक्षी होना कोई जरूरी नहीं है। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने गैजेट, अपने कंप्यूटर को भूल जाओ, कैची गोंद और कागज लेकर तैयार हो जाओ, क्योंकि कागज का करिश्मा शुरू हो रहा है। कागज के साथी, कागजी दोस्त। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारासिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। एक बार गर्मियों में एक दिन सुबह दोनों दोस्त कागज जैसे नरम पैनकेक के साथ चाय पी रहे थे, अचानक किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर आ जाओ। अपरिचित ने सावधानी से पैर पोछे और अंदर आ गया। ये था सिंह का बच्चा शेर सिंह। उसने बताया कि वो उनसे दोस्ती करने आया है, क्योंकि वो उनका नया पड़ोसी है। वो कुछ ही दूर पर कागज गली में बने घर में रहने लगा है। अरे, हमारे घर में हमारा नया पड़ोसी आया है, कितना अच्छा है ना? हाँ, मुझे भी बहुत खुशी हुई। अगले दिन टुक टुक ने कागज की गली की ओर उड़ान भरी। शेर सिंह को देखने की उसकी बड़ी इच्छा थी, पर वहाँ खिड़की में उसे सिंह के बच्चे की जगह अपरिचित धब्बेदार तेंदुआ दिखाई दिया। माफ कीजिएगा, कृपया आप ये बताएंगे कि सिंह का बच्चा शेर सिंह कहाँ है? आवाज सुनते ही तेंदुआ फौरन छुप गया। टुक टुक को इस बात ने इतना हैरान कर दिया कि वो इस बारे में अरस्तु को जल्दी से जल्दी बताने चला गया। अरे, मैं सिंह के बच्चे शेर सिंह के घर के पास था। मैंने उसका दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, पर मुझसे वहाँ कोई भी बात नहीं करना चाहता था। ऐसा नहीं हो सकता टुक टुक, जहाँ तक मुझे मालूम है सभी कागजी सिंह के बच्चों में शेर सिंह सबसे भला और शिष्ट है। हो सकता है वो घर पे ही ना हो। हो सकता है वो ना हो, लेकिन उसके घर में कोई दूसरा कागजी जानवर था। रुको, मैं अभी तुमको सब कुछ समझाता हूँ। और टुक टुक ने अरस्तु को तस्वीर दिखाई। अरस्तु ने ध्यान से देखा। तुम ठीक कह रहे हो, ये सिंह का बच्चा नहीं, ये सचमुच में तेंदुआ है। देखो कैसे इसके धब्बे हैं, तेंदुए के ही ऐसे धब्बे होते हैं। हाँ, पर वो कुछ कुछ हमारे सिंह शेर सिंह की तरह भी दिखता था। हो सकता है कि उसके यहाँ कोई रिश्तेदार आया हो। हाँ तो ठीक है, चलो उससे भी मिल लेते हैं। आओ चलो। और दोनों दोस्त शेर सिंह के घर उसके रिश्तेदार से मिलने चल पड़े। शेर सिंह के घर की खिड़की में दोनों दोस्तों को कोई तो दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही वो खिड़की के करीब आए तो वो छुप गया। मुझे शेर सिंह की चिंता हो रही है, हो सकता है उसे कुछ हो गया हो। चलो घर के अंदर घुसते हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो हम घर चलते हैं और कुछ सोचते हैं। मुझे मालूम ही था टुक टुक, मैंने पहेली हल कर ली है। हल कर ली है तो बताओ ना क्या हल किया। शेर सिंह कह रहा था कि जैसे ही उसके घर में मरम्मत का काम खत्म हो जाएगा, वो हमें अपने घर बुलाएगा। हमारा शेर सिंह सफाई बहुत पसंद करता है। वो घर की मरम्मत कर रहा है और छत को रंग लगा रहा है, इसीलिए उसके ऊपर रंगों के धब्बे हैं। इसका मतलब वो तेंदुआ नहीं था? बिल्कुल नहीं, वो तो हमारा शर्मिला रंगों के धब्बों से रंगा शेर सिंह था। वो रंग छत को रंगते समय उस पर टपक गए थे। शायद उसे हम पत्र लिखें कि हम उससे प्यार करते हैं, या फिर हम उसकी छत को रंग लगा दें। मुझे एक आइडिया आया है, हम उसे मरम्मत के लिए कागज की टोपी भेंट करेंगे और फिर उसे रंग नहीं लगेगा। कागजी दोस्त, घर के मरम्मत के लिए कागज की टोपी, अखबार लें और उसे बीच से मोड़ें। इस प्रकार से अब कागज के ऊपरी भाग को कोने से केंद्र की ओर ले जाकर मोड़ें।
शाबाश, नीचे के बाकी बचे कागज को किनारों को दबाते हुए केंद्र की ओर मोड़ें और देखो बड़ा सा त्रिकोण बन गया। अब इसे थोड़ा सा खोल कर मोड़ो तो चौकोर बन गया। अब मध्य से निचले दोनों कोनों को मोड़ो, एक बार फिर से त्रिकोण बन गया, है ना बढ़िया? देखो, और अब इसे खोलो तो मरम्मत के लिए कागज की टोपी तैयार है। चलो शेर सिंह को हम ये उपहार भेंट कराएं। यूं टुक टुक। दोनों दोस्त अपना ये उपहार शेर सिंह के घर ले गए। जल्द ही खुद शेर सिंह उनके घर आया। उस पे रंग के कोई धब्बे नहीं थे। उसने टोपी के लिए उन्हें बहुत धन्यवाद दिया। जैसे ही उस पर रंग के धब्बे लगने बंद हो गए, जल्दी उसने घर की मरम्मत का काम खत्म कर लिया और अब उसने अपने दोस्तों को गृह प्रवेश पर आमंत्रित किया। दोनों दोस्तों ने खूब धूमधाम से गृह प्रवेश मनाया। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने गैजेट, अपने कंप्यूटर को भूल जाओ। कैची, गोंद और कागज लेकर तैयार हो जाओ, क्योंकि कागज का करिश्मा शुरू हो रहा है। कागज के साथी, कागजी दोस्त। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारासिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। असली फूल। एक बार अरस्तु और टुक टुक ने कागज के जंगल में घूमने की सोची और वहां उन्होंने अनोखे फूलों को देखा। अरे मेरे प्यारे दोस्त टुक टुक, जरा देखो तो ये फूल बिल्कुल अलग है। ऐसे रंग तो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखे, है ना? सचमुच आरी, मेरे हिसाब से हमें इन्हें इकट्ठा करके इनके बारे में जानना चाहिए। दोनों दोस्तों ने फूलों को इकट्ठा किया और बड़ी सावधानी से उन्हें घर ले गए। लगता है टुक टुक, हमने नए प्रकार के फूलों की खोज कर ली है। यहाँ तक कि फूलों की कई नई किस्में खोजी हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसे कहा जाता है फूल से अनेका फूला कूस। चलो आरी, नई खोज पर कागज की अच्छी मीठी चाय पिए। ये बताना जरूरी है कि अरस्तु और टुक टुक दोनों को कागज की चाय बड़ी अच्छी लगती थी, खासकर मीठी चाय। अब मीठी चाय की बात चली है तो मैं मना नहीं करूंगा। ओह टुक टुक, देखो तो जरा, हमारी झाड़ू में फूल खिल गए हैं। पर उसी समय टुक टुक ने इस बात पर ध्यान दिया कि उनके लाए हुए फूल कहीं गायब हो गए हैं। आरी, दुखी मत होना मेरे दोस्त, पर जो फूल हम लाए थे वो कहीं चले गए हैं और मुझे लगता है कि वो गायब हो गए हैं। विश्वास ही नहीं होता, फूल कैसे अपने आप एक जगह से दूसरी जगह चले गए? आरी, पर फूल तो चल ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल नहीं चल सकते हैं। यदि क्या आरी? यदि हमने एक बिल्कुल नए प्रकार के चलने वाले फूलों को खोजा है। फूलस्य चलस्य। हाँ, यहाँ कागजी में सोचनम की जरूरत है। यानी मैं कहना चाहता था कि कागजी सोचना पड़ेगा। पर अरस्तु को कुछ नहीं सोचा। तभी अचानक उसने अपने दोस्त टुक टुक की आवाज सुनी। तुम बिल्कुल मत डरना, क्योंकि मैं अभी जोर से चीखूंगा। पूरे घर में, उनके सभी कमरों में, सभी गलियारों में और यहाँ तक कि अरस्तु और टुक टुक के घर के दरवाजों पर भी फूल ही फूल थे। विश्वास नहीं होता, कहाँ से इतने सारे फूल आए? हमने तो इन्हें इकट्ठा भी नहीं किया था, है ना टुक टुक? ऐसा ही है आरी, ये खुद ही यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। यहाँ अच्छे कागजी काम की जरूरत है। हाँ, यहाँ कागजी सोच की जरूरत है। मिल गया। अच्छा बताओ टुक टुक, ये तुम्हें किसकी याद दिलाता है? ये तो कतार है, पर फूलों को ऐसी लाइन बनाने की क्या जरूरत है? अरस्तु अपने साथी को फूलों की लाइन के पास ले गया और एक प्लेट में मीठी चाय डाल। फूलों को लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं, पर तितलियों को तो इसकी जरूरत है। तो क्या ये
तितलियों ने किया है? बिल्कुल तितलियों ने। वो अभी यात्रा पर हैं। वो दूर गर्म देश की ओर जा रही हैं और उन्हें ताकत की जरूरत है और इसीलिए वो तुम्हारी स्वादिष्ट मीठी चाय के आसपास इकट्ठी होने लगी। कागजी दोस्त, कागज से कैसे तितली बना सकते हैं? इसके लिए अलग अलग रंगों के कागज से दो चौकोर टुकड़े काटो, उन्हें तह करके मोड़ो। इसके बाद हर तह लगे कागज को धागे या स्टेपलर से जोड़ो। इस तरह से अब दोनों तह लगे कागज को एक साथ मिलाओ और तितली के पंखों की तरह आकार दो। लो, कागज की तितली तैयार है। अरे, लगता है कि हमने कोई भी नए फूल की खोज नहीं की है। मेरे प्यारे दोस्त टुकटुक, हमने कई नई प्रकार की तितलियों को खोजा है। बिल्कुल सही। अब मैं उन सभी का नाम लाल चाय पीने वालों दोस्त रखूंगा और वो पीली चीनी खाने वाले किस? यहाँ ये यहाँ तितली कुस, नीले पंखों कुस, यहाँ है। बारह सिंघा, रस्तू और कठघोड़वा टुकटुक बहुत खुश थे कि एक लंबी उड़ान से पहले उन्होंने तितलियों की मदद की और जब तितलियों ने आसमान में उड़ान भरी तो दोनों दोस्त बहुत देर तक उन्हें देखते रहे। ये बहुत सुंदर दृश्य था क्योंकि तितलियां फूलों के समान दिखती हैं, ऐसे फूल जो उड़ भी सकते हैं। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने गैजेट, अपने कंप्यूटर को भूल जाओ। कैची, गोंद और कागज लेकर तैयार हो जाओ क्योंकि कागज का करिश्मा शुरू हो रहा है। कागज के साथी, कागजी दोस्त। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुकटुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। परिचित अजनबी। एक बार रविवार की एक कागजी सुबह अरस्तु और टुकटुक ने सेब का केक बनाया। कितनी अच्छी कागजी खुशबू है आरी, पर ये केक हमने किस मौके के लिए बनाया है? तुम बिल्कुल सही हो टुकटुक, केक यूं ही नहीं बनाते बल्कि किसी खास मौके पर बनाते हैं। लेकिन कठफोड़वा टुकटुक किसी भी खास मौके या तारीख को याद नहीं कर सका। टुकटुक, कैलेंडर में ऐसी तिथि अभी तक नहीं है। पता है, मैं एक नई परंपरा शुरू करना चाहता हूँ। परंपरा? जरा सोचो, हर साल हमेशा हम एक खास दिन सेब का केक तैयार करेंगे और कोई भी मेहमान हमारे घर आकर उसका स्वाद ले सकता है। हर कोई इस दिन को याद करेगा और उसकी खुशी से प्रतीक्षा करेगा। सेब केक दिन अरस्तु और टुक टुक के यहाँ। अरे वाह वाह वाह, इतनी अच्छी परंपरा है। अभी ये शुरू भी नहीं हुई है पर मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है। अरस्तु ने दावत की तैयारी शुरू कर दी और टुक टुक उड़ चला कागज के जंगल में निमंत्रण पत्र को चिपकाने के लिए। टुक टुक, मदद के लिए धन्यवाद। देखो, हमारा पहला मेहमान आ गया। हमारी पारंपरिक सेब के केक की पार्टी में आपका स्वागत है। जंगली चूहा पहली बार अरस्तु और टुकटुक के यहाँ आया था और वो थोड़ा शर्मा रहा था। शर्माइए नहीं, हर कोई हमारे यहाँ मेहमान बन के आ सकता है और केक का एक टुकड़ा खा सकता है। हमारे पहले मेहमान होने के लिए आपको बधाई। मुझे आशा है कि और भी मेहमान आएंगे। मेहमान सचमुच आए भी। जल्द ही कागज के जंगल से पांडा बाहर आया और दोस्तों के घर की ओर चल पड़ा। मुझे नहीं मालूम था कि हमारे कागजी जंगल में पांडा भी रहते हैं। जब सेब का केक आ गया है तो पांडा भी आ गए हैं। प्रिय मेहमान, हमारी पारंपरिक सेब केक की पार्टी में आपका स्वागत है। आइए। कोई भी मेहमान हमारे यहाँ आ सकता है और एक एक करके। ओ, बहुत तेज मेहमान था।
अभी पांडा गया ही था कि शेर जंगल से बाहर आया। प्रिय मेहमान, आप कोई भी मेहमान हमारे यहाँ आ सकता है और केक का टुकड़ा ले जा सकता है। आइए आइए। टुक टुक, तुम्हें जानवरों की इतनी भीड़ से कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? उलझन में तो मैं भी हूँ आरी, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या गड़बड़ है। कागजी काम करना चाहिए। यहाँ कागजी काम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ कागजी सोचने की जरूरत है। टुक टुक, अरस्तु और टुक टुक ने हाथी से थोड़ी देर रुकने को कहा। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई। हाँ तो प्यारे जंगली चूहे, शायद आप केक का एक और टुकड़ा लेना चाहते हैं। आरी, तुम्हें ये कहाँ से जंगली चूहा दिख रहा है? हा? और सचमुच हाथी के मुखौटे के पीछे जंगली चूहा था। बात यह है टुक टुक कि सभी जंगली चूहे खाने के बहुत ही शौकीन होते हैं। उन्होंने जब हमारा केक देखा तब शायद ये अपने आप को रोक नहीं पाया। अदला बदली का सुझाव देता हूँ, हम जंगली चूहों को पाई केक बनाना सिखाएंगे और जंगली चूहे हमें सिखाएंगे एक बड़े अच्छे मुखौटों को बनाना, है ना? कैसे? कागज का मुखौटा बना सकते हैं। किसी भी जानवर के सिर की आकृति कागज पर हाथ से या कंप्यूटर और प्रिंटर के जरिए बनाएं। अब ध्यान से आकृति के किनारों को काटें, आंखें बनाएं और किनारों पर दो छेद करें, फिर रबर बैंड से उसे जोड़ दें। मुखौटा तैयार है, है ना आसान? दोस्तों को सेब के केक की परंपरा बड़ी पसंद आई। स्वाभाविक है कागज के नए मुखौटों की तरह। तो ऐसे ये अनोखी कागजी कहानी समाप्त हुई, लेकिन सेब केक दिन मनाने की परंपरा अभी केवल शुरू ही हुई थी। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने गैजेट, अपने कंप्यूटर को भूल जाओ, कैची, गोंद और कागज लेकर तैयार हो जाओ, क्योंकि कागज का करिश्मा शुरू हो रहा है। कागज के साथी, कागजी दोस्त। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारासिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। कागज के समुद्र के पार। एक बार दिन में खूब धूप निकली थी और हमारे दोस्त कागज की झील में मछली पकड़ने गए। यहाँ ये भी बताना होगा कि उस दिन बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी गईं, कि टुक टुक घर वापस जाना ही नहीं चाहता था, वो वही मगन था। मेरा घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। पर समय हो गया है, तूफान आ सकता है। टुक टुक, तुम उठो और देखो कि किस ओर से हमें किनारे की ओर आगे बढ़ना है। तभी जोर की आंधी आई और हवा से नाव गोल घूमने लगी। टुक टुक बड़ी मुश्किल से ये बता पाया कि किस ओर आगे बढ़ना है। सीधे नहीं, नहीं बाएं, पीछे पीछे, यानी कि दाएं, नहीं नहीं सीधे। अरे टुक टुक, जरा धीरे, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। हवा जरा धीरे से, हम आरी के साथ फंस गए हैं। नाव इतनी दूर चली गई कि टुक टुक को किनारा दिखना बंद हो गया। उसकी नाव तैरती और आगे बढ़ती चली गई। आखिर में नाव को किनारा मिल गया, लेकिन ये किनारा बहुत ही अनजाना किनारा था। टुक टुक, टुक टुक कहाँ हो तुम? टुक टुक, तुम्हें क्या हुआ? टुक टुक, मुझे क्या हो गया? लगता है मैं बीमार हो गया हूँ। आरी, तुम बिल्कुल ठीक हो, फर्क ये है कि ये हमारा किनारा नहीं है। लगता है हम किसी दूर देश में आ गए हैं, कागजे अफ्रीका में। मैंने इसके बारे में कागजी किताब में पढ़ा था। अरे, बैंगनी रंग के बारासिंगा, ये लोग तो आदिवासी हैं। टुक टुक, यहाँ ये बताना जरूरी है कि आदिवासी हमेशा उन्हें कहा जाता है जो दूर द्वीपों पर या तटों पर रहते हैं। वो अपनी खुद की यानी कागजी से अलग भाषा में बात करते हैं। अरे,
तुम्हें समझ में आया इसने क्या कहा? नहीं नहीं समझ में आया टुक टुक, चलो इन्हें मछली देने की कोशिश करते हैं। वो अलग अलग भाषाओं में बात करते थे, फिर भी वो दोस्त बन गए। आदिवासियों ने अरस्तु और टुक टुक को स्वादिष्ट सूप पिलाया और कागजी अलाव के पास गोल घेरे में अपना नृत्य दिखाया। मेहमान बनना तो ठीक है, पर मैं घर जाना चाहता हूँ। मित्र, क्या आप हमें ये बताएंगे कि हमारे देश का किनारा कहाँ है? आप जानते हैं ना कि तूफान के कारण हम रास्ता भटक गए हैं, बताइए ना कहाँ है? हमारा घर कागज की दुनिया में है। कैसे समझाओ? कागज की दुनिया। कागज? हुर्रे! लगता है हमारे बीच एक शब्द मिलता हुआ है। आदिवासी दोनों मित्रों को पेड़ों के पास ले गए। यहाँ गिलास के आकार का ताड़ का पेड़ था, उस पर पके फल की जगह कागजी गिलास लटक रहे थे। गिलास को देखते ही अरस्तु के दिमाग में एक उपाय आया, कागजी दूरबीन का। कागजी दोस्त, अली कागज के कप से दूरबीन कैसे बना सकते हैं? पहले दो कागज के खाली कप ले लें, फिर उन्हें टेप से जोड़ दें। अब आंखों से देखने के लिए दोनों कप की तलों में छेद कर दें। लीजिए, दूरबीन तैयार है। देखो देखो टुक टुक, हमारा किनारा दिख गया। अब नई कागज की दूरबीन से दोनों दोस्तों को साफ दिख रहा था कि उन्हें किस ओर नाव को बढ़ाना है। जब तक कि नाव उनके देश के तट तक नहीं पहुंची, वो नाव से आगे और आगे बढ़ते गए। अरे देखो देखो, वहाँ हमारे नए दोस्त दिख रहे हैं। तो ये कागजी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि उसके बाद से दोनों दोस्त झील पर हमेशा अपने साथ दूरबीन लेकर जाते थे, ताकि अपने घर का रास्ता खोज सकें और कागजेफिका को और अपने नए दोस्तों को देख सकें। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने गैजेट अपने कंप्यूटर को भूल जाओ, कैची गोंद और कागज लेकर तैयार हो जाओ, क्योंकि कागज का करिश्मा शुरू हो रहा है। कागज के साथी, कागजी दोस्त। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारासिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। संगीत समारोह का निमंत्रण। एक बार दोस्तों के घर उनकी एक पुरानी परिचित आई, ये थी मैना। नमस्ते मैना जी। क्या आप कागज के मीठे बिस्किट के साथ चाय पियेंगी? पर मैना ने मना कर दिया, क्योंकि वो आई थी केवल एक मिनट के लिए अपने कल के संगीत समारोह में आने का निमंत्रण देने के लिए, जिसमें वो गाना गाने वाली थी। निमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम जरूर आएंगे। मैना अचानक से भावुक होकर रोने लगी। ये उसका पहला संगीत समारोह है और वो बहुत चिंतित है कि उसका गाना श्रोताओं को पसंद आएगा कि नहीं। क्या वो तालियां बजाएंगे? कैसा गाती हो हमने अभी तक नहीं सुना, पर मुझे विश्वास है कि सबको पसंद आएगा। चिंता मत करो मैना, सभी जोर से तालियां बजाएंगे, तुम देखना। अरे नहीं नहीं, सही कहा जाए तो सुनना। मैना शांत हो गई और तैयारी करने चली गई और दोनों दोस्त अपने कामों में लग गए। तो मैं कौन से पेज को पढ़ रहा था? क्या हुआ रे, अखबार में कोई बुरी खबर है क्या? बुरी खबर मेरे पास है, लगता है मेरी हथेली में चोट लग गई है। अरस्तु बिल्कुल ही भूल गया था कि कागज के कोने धारदार होते हैं और थोड़ी सी लापरवाही से कागज के कोनों से चोट लग सकती है। डरो मत आरी, मैं तुम्हें बचाऊंगा। यहाँ ये बताना जरूरी है कि टुक टुक ने डॉक्टरों के स्कूल में पढ़ाई की थी, इसीलिए उसने अपने दोस्त के हाथ में साफ कागज की पट्टी बांध दी। धन्यवाद टुक टुक, तुमने मुझे बचा लिया, पर मेरी हथेली में थोड़ा दर्द है।
अभी एक दो दिन तो सहना ही होगा, लेकिन चोट ठीक हो जाएगी। पर कल संगीत समारोह है और मैं ताली नहीं बजा पाऊंगा। मैना सोचेगी कि मुझे उसका गाना पसंद नहीं आया और वो बहुत दुखी हो जाएगी। क्या करूँ टुक टुक? हाँ ये तो है, एक कागजी नहीं हुआ। दोनों दोस्त सोच में पड़ गए कि ताली की जगह क्या किया जाए, क्योंकि वो मैना को दुखी नहीं करना चाहते थे। आरी मान लो कि मैं मैना हूँ और अब मैं समारोह की तरह ही गाना गाऊंगा, तो क्या तुम तैयार हो? हाँ हाँ मैं तैयार हूँ टुक टुक। ठीक है, अब गाना खत्म हुआ, सन्नाटे में मैं खड़ा हूँ, चलो मेरे लिए तालियां बजाओ। थप 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 थप, कागजी हुआ कि नहीं? बिल्कुल कागजी नहीं हुआ, चलो फिर से करते हैं। ला 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 ला, चलो बजाओ ताली। ओए ओए ओए, हाँ ये पहले से अच्छा है आरी? बिल्कुल भी नहीं, ये अच्छा भी नहीं है और दर्द भी देने वाला है। यदि तुम हम दोनों के लिए तालियां बजाओ तो मैं ऐसे दिखाऊंगा कि मैं ताली बजा रहा हूँ। कहो कैसी रही? कागजी, गाना खत्म हुआ, सन्नाटे में मैं खड़ा हूँ, चलो मेरे लिए तालियां बजाओ। अचानक आंगन में मैना ये देखने के लिए आ गई कि यहाँ शोर क्यों हो रहा है। दोनों दोस्त काफी घबरा गए और कहने लगे, बात यह है मैना कि हम दर्शक हैं। हाँ हम सचमुच में पेशेवर दर्शक हैं। हाँ और संगीत कार्यक्रम से पहले पेशेवर दर्शकों को भी तो कुछ अभ्यास करना होता है। हम ताली बजाने का अभ्यास कर रहे थे मैना। पर मैना को यहाँ ताली के अलावा गीत भी सुनाई दिया था। नहीं नहीं मैना, ये गाना नहीं था और मुझे तो गाना भी नहीं गाना आता, बस ऐसे ही कुछ पंक्तियाँ गा दी थी कि ताली बजा सके। मैना ने कहा कि उसे गाने की पंक्तियाँ बहुत अच्छी लगी। उसने टुक टुक से अनुरोध किया कि वो दूसरे दिन उसके साथ गाना जरूर गाए। अब तुम हम दोनों के लिए ताली नहीं बजा पाओगे टुक टुक, क्योंकि तुम तो खुद स्टेज पर रहोगे। यहाँ कागजी सोच की जरूरत है। चोट के कारण अरस्तु आज डबल बास को भी नहीं बजा पाया, पर उसने कुछ तो जरूर सोच लिया। यदि ताली ही बजाना है तो कागजी फटाका बनाया जाए। उर्रे, क्या कागजी सोच है, कागजी दोस्त। एक चौकोर कागज लो और उसके सभी चारों कोनों को मोड़ो इस तरह से। अब बीचों बीच से भी मोड़ो, बिल्कुल सही। अब कोनों को ऊपर की ओर मोड़ो। ध्यान रहे कि कागज से हाथ न कटे। बहुत अच्छा, एक बार फिर से बीच से कागज को मोड़ो। बढ़िया, अब कागजी फटाका तैयार है, बहुत मजा आएगा। गाना खत्म हुआ, सन्नाटे में खड़ा हूँ, मेरे लिए तालियां बजाओ। ये बताना जरूरी है कि तालियों की आवाज इतनी जोरदार रही कि मैना खुशी के मारे बेहोश हो गई। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया कि कार्यक्रम सफल रहा और उसने बहुत बढ़िया गाया। जोरदार तालियों की आवाज उस शाम और बहुत देर तक गूंजती रही। टुक टुक, मेरा हाथ ठीक हो गया और अब तो दर्द भी नहीं करता। तो इस प्रकार ये कागजी कहानी भी खत्म हुई। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने गैजेट अपने कंप्यूटर को भूल जाओ, कैची गोंद और कागज लेकर तैयार हो जाओ, क्योंकि कागज का करिश्मा शुरू हो रहा है। कागज के साथी, कागजी दोस्त। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारासिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। गुलाब की क्यारी। मैना के संगीत जलसे में मैंने बहुत अच्छा गाया। दर्शकों ने उसे बहुत से फूल भेंट किए। मैना बहुत खुश थी, पर वो इतने सारे फूल अपने घर नहीं ले जा पाई। टुक टुक और अरस्तु ने उसकी मदद की। आरी ये तो बताओ कि ये कौन से फूल हैं? ये गुलाब है। और ये कहना होगा कि टुक टुक ने इससे पहले गुलाब नहीं देखे थे। गुलाब उसे बहुत पसंद आए। टुक टुक और अरस्तु फूलों को मैना के घर तक लेकर आ गए। नीलकंठ मैना ने दोनों मित्रों को धन्यवाद दिया और टुक टुक को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया।
ये तो कमाल के हैं। क्या कागजी सुगंध है। शुभ रात्रि यारी। शुभ रात्रि टुक टुक। किसी ने मेरे गुलाब खराब कर दिए। मेरे दोस्त टुक टुक, सुबह गुलाब खुद खराब हो गए। डाली से किसी भी कटे फूल की पंखुड़ियां झड़ जाती हैं और उसकी सुगंध खत्म हो जाती है, कागज के फूलों की भी। तो फिर अब मैं क्या करूं? टुक टुक, चलो क्यारियों में बीज बोते हैं और सचमुच के कागजी गुलाब उगाते हैं। टुक टुक ने कागजी देश में उपलब्ध सभी कागजी बीजों को इकट्ठा करने का इरादा किया, ये सोच के कि शायद उसे गुलाब भी मिल जाए। टुक टुक, एक और कागजी बीज मैं देख रहा हूँ, रस भरी के दाईं ओर, फूलों से भरे पेड़ के बाईं ओर। हाँ हाँ आरी, मुझे मिल गया। टुक टुक ने शाम तक अलग अलग बीजों से भरी एक पूरी टोकरी ली और उन्हें क्यारी में बो दिया। सुबह सुबह टुक टुक सबसे पहले ये देखने के लिए पहुंचा कि गुलाब कैसे बढ़ रहा है। सूरजमुखी, खीरा, पाइन, सेब, ओहो, यहाँ गुलाब तो है ही नहीं। आरी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जो बीज हमें मिले थे उनमें गुलाब के बीज नहीं थे। सच कहूँ तो मैंने भी उन्हें इससे पहले कभी देखा नहीं। अगर गुलाब के बीज है ही नहीं तो हम उसे कैसे लगाएंगे? ये तो मुश्किल काम है टुक टुक, यहाँ कागजी सोच की जरूरत है। सोच लिया टुक टुक, हमें कागज के पहाड़ को पार करना होगा, फिर कागज की एक नाव बनानी होगी, फिर कागजी समुद्र को पार करना होगा ताकि कागजी गुलाब की जमीन तक पहुंच सकें और वहां हमारे कागज के फूलों की क्यारी के लिए हम बीज ला सकें। लेकिन आरी, इसमें तो बहुत देर लगेगी, क्यों ना हम सिर्फ कागज के ही फूल बनाएं, क्या कहते हो? सच कहूं टुक टुक, तो ये आइडिया बुरा बिल्कुल नहीं है। कागज का फीता ले लो, उसके कोनों को मोड़ो इस तरह से जैसे तुम कोन बना रहे हो। एक बार फिर मोड़ो, एक बार फिर, ध्यान रखना हर बार एक समान दूरी पर। अब बचे हुए फीते को कुछ इस तरह घुमाओ, बिल्कुल, देखा कितना प्यारा गुलाब तैयार हो गया, है ना? पूरे दिन अरस्तु और टुक टुक कागज के फीते से सचमुच गुलाब बनाते रहे और उन्हें क्यारी में लगाते रहे। गुलाब अच्छे से लग गए और खिल उठे और ऐसी कागजी सुगंध देते रहे कि टुक टुक बहुत खुश हो गया। कितनी बढ़िया कागजी सुगंध है, अब मेरे यहाँ हर दिन त्योहार होगा। इस तरह ये कागजी कहानी भी खत्म हुई। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने गैजेट, अपने कंप्यूटर को भूल जाओ, कैची गोंद और कागज लेकर तैयार हो जाओ, क्योंकि कागज का करिश्मा शुरू हो रहा है। कागज के साथी, कागजी दोस्त। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारासिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। चांदनी रात। एक बार दोनों दोस्त कठिन दिन के बाद थक गए थे। उन्होंने सोने की तैयारी की पर उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। आरी, ये क्या हो रहा है? रात हो गई है पर दिन जैसा उजाला है। अरे हाँ, मैं भूल ही गया था। देखो, और मैं सोच रहा था कि घड़ी के साथ कोई गड़बड़ हो गई है। नहीं टुक टुक, घड़ी का इससे कोई संबंध नहीं, हमें तो रात होते ही नींद आ जाती है।
तभी आरी ने खिड़की से देखा कि पीछे जंगल से तेज प्रकाश आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज डूबा ही नहीं बल्कि कागज के जंगल के पीछे छिप गया हो। टुक टुक, लगता है हमारे जंगल में आग लग गई है। टुक टुक, पहले तो हमें शांत होना होगा और फिर आग बुझाने का तरीका सोचना होगा। चलो चलो झील में घुस जाते हैं, वहाँ कोई आग हमें छू नहीं सकती। नहीं नहीं टुक टुक, ये कागजी सोच ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सभी सो रहे हैं और उनको आग का पता ही नहीं। हमें ये बुझानी पड़ेगी। बाल्टी ले लो टुक टुक। आखिर हमारे दोस्त मैदान तक पहुंच गए। एक बड़े झाड़ी के पीछे से तेज प्रकाश आ रहा था, पर इस आग से न कोई गर्मी पैदा हो रही थी और न ही कोई धुआं उठ रहा था। बढ़िया जी, आग है आरी, धुआं क्यों नहीं उठ रहा? पता नहीं टुक टुक, शायद खत्म हो गया हो। अरस्तु ने बड़ी सावधानी से झाड़ी के पीछे झांका और वहाँ एक आश्चर्य उसका इंतजार कर रही थी, एक तेज असली चांदनी। दोस्तों ने अंतरिक्ष के मेहमान से पूछा कि वो पृथ्वी तक की इतनी दूर की यात्रा करने के बाद शायद चाय पीना चाहे। चांदनी खुशी से तैयार हो गई और वो घर की ओर चल पड़े। वाह वाह, लौटते समय और भी मजा आएगा, क्योंकि हमारे पास अब चांदनी है और ये हमें रास्ता दिखाएगी। बाद में चांदनी ने कबूल किया कि संयोग से वो सो गई और पृथ्वी पर गिर गई। बात ये है कि चांदनी को कभी भी रात में सोना ही नहीं चाहिए। यहाँ अरस्तु को याद आया कि वो भी आज बिल्कुल नहीं सोया। बहुत थक गया हूँ, अब मुझे आराम करना चाहिए। मैं भी अभी चांदनी के लिए बिस्तर तैयार कर देता हूँ। आरी और टुक टुक ने चांदनी के लिए मुलायम कागजी बिस्तर बनाया और खुद भी सोने के लिए चले गए। ओहो टुक टुक, बिल्कुल नींद नहीं आ रही। गुड मॉर्निंग आरी, मेरा मतलब है गुड नाइट। ओहो, मैं पूरा चकरा गया हूँ। इस तेज प्रकाश के कारण मुझे नींद नहीं आ रही, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करें? सोचो आरी, सोचो। यहाँ तो कागजी सोचना पड़ेगा टुक टुक। अरस्तु ने अपना डबल बास ले लिया और एक धुन बजाना शुरू किया। इससे उसे सोचने में मदद मिलती थी। लगता है मैंने सोच लिया, हम एक गुलेल बनाएंगे टुक टुक और चांदनी को वापस आसमान में भेजेंगे। कहो कैसी रही कागजी दोस्त? पहले एक चौकोर कागज लेंगे, फिर उसे आधे में मोड़ लेंगे और फिर उसके कोनों को केंद्र में मोड़ लेंगे, कुछ इस तरह बराबर करें और फिर एक बार और मोड़ें। अब ये सब उल्टा करें, आधा आधा मोड़ लें और मोड़ के कोनों को दाईं और बाईं अंदर की तरफ दबा दें, ऐसे। अब उसे सीधा करें और बाल्टी का आकार दें। अब देखिए हमारी गुलेल तैयार है। टुक टुक, चांदनी को इस बाल्टी में रखो और गुलेल को खींचो, पर सावधानी से। ध्यान देना कि कहीं चांदनी फिर से वापस जंगल में ना गिर जाए, समझ गए? आरी, मैं कोशिश जरूर करूंगा पर वादा नहीं कर सकता, मैं जिंदगी में पहली बार गुलेल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कागजी उड़ान मुबारक हो। चांदनी आसमान में वापस चली गई और इस बात से वो बहुत खुश थी क्योंकि उसका घर वहीं था। अरस्तु और टुक टुक ने चांदनी से विदाई ली और उससे वचन लिया कि वो अब कभी भी रात को सोएगी नहीं, और अगर अचानक सो भी गई तो हमारे दोस्त जरूर कुछ न कुछ कागजी सोच ही लेंगे। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।